लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश, और मजेदार बात यह है हर पांचवा शख्स 25 साल से कम है। यानी कि किसी भी देश में ऐसी कंडीशन बहुत दिनों बाद बनती है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाती है। इंडिया एक यंग कंट्री है। अगर अप्रोक्सीमेटली अगर लगभग अनुमानित लगाया जाए तो एस्टिमेटेड हर व्यक्ति की उम्र 28 साल है। वहीं USA, चाइना, जापान देश की दूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी डाउनफॉल में है। वो पुअर होते जा रहे हैं, यानी कि उनके देश में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो उनके डिपेंडेंट रहते हैं। अब काम करने वाले लोग वो होते हैं जो 15 साल से 59 साल तक जो लोग काम करना चाहते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन उसको कहते हैं जिनकी आयु 15 साल से कम है या 60 साल से ऊपर है, यानी कि वो काम ही नहीं कर सकते। अगर घर के अंदर कोई एक व्यक्ति काम करता है तो उसी की इनकम पर वो डिपेंड रहते हैं, उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। जो देश की दुनिया की पूरी दुनिया की जो सबसे इकोनॉमी है चाइना, जापान, USA, उनके अंदर ये ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन इंडिया के अंदर एक ये सबसे बड़ा मौका है कि इस पॉपुलेशन को यूज करके, इस पॉपुलेशन को काम दे करके एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से मौका है सोने की चिड़िया बनने का। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऐसे स्टेप उठा रही है? जो यूथ है, जो लगभग आबादी का 47% हमारे नौजवान युवक हैं, उनको जॉब मिल पा रही है? गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, उनको गवर्नमेंट ऐसी एजुकेशन दे पा रही है जिसकी वजह से उनको काम मिल सके? ऐसी स्किल्स गवर्नमेंट डेवलप कर पा रही है कि उनको किसी भी MNC जो फॉरेन कंपनी आती है उनके अंदर काम मिल सके? यानी कि इंडिया के अंदर ही जो स्किल्ड लेबर है वो अभी भी प्रेजेंट नहीं है। इस वीडियो को हम समझेंगे इसके पीछे में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशलिकल कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से यूथ इतना डिप्रेस है, एडिक्टेड है एल्कोहल, पॉर्न्स के, और अपने सोशल मीडिया से इतना एडिक्टेड होता जा रहा है क्योंकि उसके पास में स्किल्स नहीं है। जिस माना जाता है युवा ही अर्थव्यवस्था के इंजन होते हैं। पुणे बेस्ड गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स के अंदर डेमोग्राफी पढ़ाती हैं अंजलि राडकर। उनका मानना है कि जो इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है डेमोक्रेटिक डिवाइडेंड है। जो इंडिया के पास आज अपॉर्चुनिटी है वो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे वो ओल्ड होती चली जाएगी। जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो हम यूथ से आज काम ले सकते हैं, एक अवसर है जिससे हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनते हैं, वो धीरे धीरे एक परेशानी में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अब अगर हम रिसेंटली NFH5 की जो रिपोर्ट आई है, NFHS की जो रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी है। यानी कि अब डिक्लाइन होती पॉपुलेशन और जो बढ़ चुकी और जो 47% यूथ है, अगर उसको काम नहीं मिला तो वो कुछ सालों के अंदर अधेड़ उम्र में तब्दील हो जाएंगे। और तब्दील होते ही सबसे बड़ी समस्या है कि उन एल्ड को वो यूथ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब पॉपुलेशन कम हो रही है और जो ओल्ड के लोगों की एक समय के बाद में जनसंख्या बढ़नी होगी, तो सबसे बड़ी जनसंख्या विस्फोट इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है अगर इसका इस्तेमाल सही तरह से नहीं किया गया तो। पी चिदम्बर जो कि एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जब भी लोगों को काम नहीं मिलता है तो इस गंभीर बेरोजगारी से समाज के अंदर कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे अपराध के मामलों में बढ़ना, किडनैपिंग, रेपिंग और कई सारे ऐसे एल्कोहल शराब के इल्लीगल धंधे पड़ते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो वो किसी तरह से अपने पेट को पालने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। सुपत शंकरन जो CEO हैं करियर नेट के, उनका मानना है कि इंडिया के अंदर जॉब्स तो हैं लेकिन यूथ के अंदर टैलेंटेड नहीं है। अब अपनी रिसर्च के अंदर हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि यूथ के अंदर क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से, टैलेंट न होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हमने कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ा है, इंटरव्यू को देखा है, और इसको एक तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड न होकर के आपको एक तरह से जो चीज़ सही है, जो रेशनलाइज तार्किक वे में है, वही दिखाने की कोशिश करी गई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वरना हम भी बेरोजगार हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को जॉब किन कारणों की वजह से नहीं मिलती है, हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। या तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि यूथ के पास में टैलेंटेड नहीं है, इतनी वो स्किल्स वो सीख नहीं पाए हैं डिग्रियों के अंदर जिसकी वजह से उनको जॉब मिल सके। तीसरा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो एजुकेशन सिस्टम ने इस प्रकार सा करिकुलम बनाया है गवर्नमेंट नौकरी के
चक्कर में फंस करके उनकी जिंदगियां बर्बाद होती जा रही हैं। तो इन तीनों को हम विशेष तरह से एनालिस करेंगे। नंबर वन पे गवर्नमेंट, इस तरह से गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऐसी जॉब को क्रिएट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ऐसे कई सारे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आप रिसेंटली ट्रेंड को देख ही सकते हैं, पढ़ेंगे जिस तरह से यूथ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह से इस टाइम गैप को अनएम्प्लॉयमेंटिलिटी को भरने के लिए इस तरह से जॉब को क्रिएट करना अति आवश्यक है। सरकारी नौकरी के लिए कितना घमासान होता है, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए यूथ इतना अट्रैक्टिव। स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक की इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रहे? आप इन दो रिपोर्ट से देख सकते हैं। 2015 में यूपी गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स निकाली थी, 360 प्लस जॉब्स निकाली थी। इसकी एलिजिबिलिटी थी 10th पास, यानी कि 10वीं पास बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जानकर के आप चौंक जाएंगे कि इन 360 नौकरियों के लिए करीब 2.3 मिलियन फॉर्म भरे गए थे, लगभग 23 लाख, जिसमें वो भी बंदे शामिल थे जो पीएचडी की होल्डर हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन सारी डिग्रियां कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसी पीओ लेवल की, बॉसरमैन लेवल की और इतनी लो स्किल्ड जॉब के लिए भी अप्लाई करना पड़ रहा है। आप इस पब्लिक को देख ही सकते हैं, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन इस नाले की सफाई करने के लिए नहीं लग रही है। ऐसे ही नहीं है, ये सफाई अभियान चला रहे हूँ, लेकिन ये एक म्यूनसिपालिटी नगर निगम के अंदर जो सफाई करने की जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हैं। अगर हम इंडिया जैसी कंट्री के लिए बात करें तो यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, यानी काम करने वाले लोगों की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, वो बढ़कर के 11 करोड़ हो चुकी है। लेकिन लेबर फोर्स है, जो जिन लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनकी संख्या घटती जा रही है। जिन लोगों को काम मिल रहा है उनकी संख्या घट करके 3 करोड़ पर आ चुकी है। अगर हम रिसेंटली CMIE की रिपोर्ट को देखें, जिसकी मीनिंग होती है सेंट्रल मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स, इसके रिसेंटली रिपोर्ट को देखें तो हम एक चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ 2020-21 में इन्होंने बताया है कि 40.41% जनवरी 2020 में यूथ को बेरोजगार था, लेकिन वहीं जनवरी 2021 में 65% यूथ बेरोजगार था, लगभग 25%। ये कोरोना आया, इसकी वजह से फिगर 2020 में बढ़ गया था, लेकिन कोरोना डिक्लाइन होना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में यूथ, ये केवल सरकारी आंकड़े हैं, और जो ग्राउंड लेवल पर हकीकत होती है तो वो तो कुछ और ही अलग रहती है, ये हम सब जानते हैं। एक और CMIE की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो 94 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है मई 2016 में, और वहीं ये लेबर फोर्स है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिनको काम मिला है, उनकी पूरी जनसंख्या है 40 करोड़। वहीं CMIE रिपोर्ट को 2021 में देखें तो 105 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको काम मिला है वो लेबर फोर्स है 42.8 करोड़, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 43 करोड़। अब आप समझ सकते हैं, 2021 के और 2016 की रिपोर्ट को कंपेयर करके देखेंगे तो वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, काम करने वाले लोगों की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है। जो लेबर फोर्स है, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसको वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। GDP रेशियो, यानी कि जितना गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में वसूल करती है, जितना देश पूरे हमसे पैसा कमाता है, उसके हिसाब से कितना जॉब क्रिएट करने में खर्च किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जॉब को क्रिएट करने में, वो केवल GDP का 3% ही खर्च किया जा सकता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ से जॉब क्रिएट कर पाएगी। इस गवर्नमेंट को अगर जॉब क्रिएट करनी है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना ही है, तो GDP रेशियो को, जो जॉब क्रिएट करने में खर्च किया जाए, नौकरियां पैदा करने में खर्च किया जाए, इस रेशियो को बढ़ाना होगा। दूसरा फैक्टर होता है, वो होता है बाहर से आया हुआ पैसा, मतलब जो आपके इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे देश के लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपने खुद ही के देश के लोग, यानी कि एक रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 10% ही बढ़िया तरह से इकोनॉमी में योगदान देते हैं, वही टैक्स वैक्स भरते हैं, लेकिन जो 90% लोग, जो पॉपुलेशन है, वो बुरी बात से बेहतर जिंदगी जीते हैं, वो एक तरह से गरीबी रेखा से भी नीचे, लेकिन जो 10% लोग हैं उनके पास में सारा पैसा है। हम कहने को तो पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, वो भी 10% पॉपुलेशन के
दम पे। अब इन 10% पॉपुलेशन के पास में पैसा है, तो अब गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम चलानी होगी जिसकी वजह से ये 10% पॉपुलेशन उस पैसे को लगाए, इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस में। ऐसे गवर्नमेंट को इंसेंटिव, ऐसे प्रोग्राम चलाने होंगे, और फॉरेन की जो कंपनियां हैं अपने देश में आप फैक्ट्रियां सेटअप करती हैं जिससे आपको देश के युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन इंडिया के अंदर टैक्स की हाई डिमांड होने की वजह से फॉरेन कंपनी, इवन इंडिया की जो कंपनी स्टार्टअप कंपनी है वो भी दूसरे देशों में जाकर के अपनी हेडक्वार्टर बनाती हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। एक इसका एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, उन्होंने सिंगापुर में अपनी फैक्ट्री सेटअप की है ताकि यहाँ पर टैक्स से बचा जा सके। नंबर टू पे जो इशू आता है वो है यूथ के अंदर स्किल्स की कमी होना, यानी कि अगर नौकरियां तो हैं, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, ऐसे कई सारे, मैंने आपको रिसेंटली एक एक्सपर्ट का व्यू बताया था जिसमें उन्होंने पशुपति शंकर का उन्होंने बताया है कि यूथ के पास में नौकरियाँ तो हैं, गवर्नमेंट ऐसी नौकरियों को क्रिएट तो कर रही है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यूथ के पास में डिग्री नहीं है। उसके डिग्री तो है लेकिन उसके लायक गवर्नमेंट को उस पोस्ट को वेकेंट फिलअप करने के लिए उसके पास में कोई स्किल्स नहीं, जिसकी वजह से जॉब उनको नहीं मिल रही है। रिसेंटली एक सर्वे करवाया था, उस कंपनी का नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023, ये लिखा लिया बी बॉक्स ने। इसके अंदर ऐसे 375,000 यूथ का जो टेस्ट लिया गया था, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि यूथ के पास में वो स्किल्स हैं या नहीं, जो उनके पास में डिग्रियां तो हैं लेकिन वो स्किल्स नहीं है। इस कंपनी की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट के अंदर पाया गया कि 40% MBA करने वालों के पास में डिग्रियां हैं तो हैं लेकिन वो MBA की जो स्किल्स हैं वो उनके पास में नहीं है। वहीं 40% BCOM के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BCOM को कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन उनके पास में वो स्किल्स नहीं है। वहीं ITI करने वाले 66% ऐसे बंदे हैं उनके पास में ITI की एलिजिबिलिटी नहीं है। कोई भी स्किल्स बात करें तो बी फार्मा के अंदर 43% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। वहीं हम इंजीनियरिंग की बात करें तो 43% ऐसे बंदे हैं जिनके पास में डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। वहीं हम BSc की बात करें तो BSc में 63% ऐसे बंदे हैं जिनके पास में डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप, इसमें भी अब आप ये कहेंगे कि वो जो पत्रकार हैं, मैंने एक पत्रकार का रिसेंटली इंटरव्यू देखा था, वो ये कह रहे थे, ये बताने की ब्लैक एंड व्हाइट थ्रू में कर रहे थे इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। भैया गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रही है कि जो लोअर लेवल पर हम डिग्रियां लेने जाते हैं तो वो डिग्रियां लोगों को मिल सके। डिग्रियां तो मिल जाती हैं लेकिन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। बीजेपी प्रवक्ता सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ, वहाँ बेरोजगारी चरम पे है, पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए सर। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में, कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था आप? अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? ये तो अलग इशू है। आप इस टॉपिक पे क्यों आ गए? एक सेकंड पंडितों की बात भी करेंगे। ये डाइवर्ट करते आती हैं। कॉलेज के अंदर बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं, उन्हें रेगुलर क्लासेस होती हैं, लो फैकल्टी को वो हायर करते हैं, यानी कि जो फैकल्टी बच्चों को पढ़ा रही है उसके अंदर भी वो स्किल्स नहीं है जो पढ़ाने में लगे हुए हैं। ताकि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, या जो हम स्किल्स लेने जा रहे हैं प्राइवेट, इवन प्राइवेट कॉलेज में इतना एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस बात की ऊपर तक रिपोर्ट जाए कि उसको तुरंत ही उस कॉलेज को बैन कर दिया जाए। गवर्नमेंट आज तक हो क्या रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनसे करप्शन लेते हैं या इसी वजह से वो प्राइवेट कॉलेज रन होते हैं और सक्सेसफुली रन हो पाते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये है कि गवर्नमेंट नौकरी के अंदर जाल में फंस जाना बुरी तरह से। अब मैं इसके अंदर एक व्यक्ति का रिसेंटली उदाहरण लेकर के आपको समझाऊंगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए उसका व्यक्ति का नाम है राहुल। मेरा नाम राहुल है। हाय, आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। अब राहुल को बचपन से ही किसी स्कूल में डाल दिया जाता है ताकि वो एक अच्छी सी एजुकेशन ले सके। अगर उनके माँ बाप के पास में बढ़िया पैसा है तो उसको बढ़िया एजुकेशन दी जाएगी, CBSE स्कूल से, अच्छे स्कूल से, जिनकी फीसेस इतनी काफ़ी महंगी होती हैं, जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली की मंथली इनकम नहीं होती है, उनकी मंथली इतनी फीस रहती है CBSE स्कूल्स की, ICSE स्कूल की, तो उनके अंदर शिक्षा भी अच्छी मिलती है। लेकिन जो जिस कॉमन में
90% पॉपुलेशन के जो रूरल इंडिया में अर्बन इंडिया के अंदर लोग रहते हैं, जो गरीब रेखा के अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को मेनली सरकारी स्कूल में भेजते हैं या लो लेवल ग्रेड लेवल के प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, संडे बंडे तो बच्चों ने सीख लिए, अब फलों के नाम भी सीख लीजिए। तो अब वो क्या है, 10th 12th में पहुंचेगा, तो वहां पे वो कैसे भी करके 10th 12th में पहुंच जाएगा, बिना पढ़े लिखे वो 10th 12th में पहुंच गया, तो वो किससे पास होगा, नकल के सारे पास हो जाएगा। रनार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात, हम मरत जात। अगर पास हो भी गया तो उसको IIT की रेस में डाल दिया जाएगा, अगर IIT की रेस में डाल दिया जाएगा तो उसका सिलेक्शन केवल ऑल ओवर इंडिया में IIT के 30 कैंपस हैं, जिसके अंदर केवल 16,500 सीट्स हैं, यानी कि 47% यूथ के लिए, पॉपुलेशन की करीब 50 करोड़ से ज़्यादा यूथ की आबादी है, उसके लिए केवल 16,500 ही सीट्स हैं IIT के अंदर। अब उसको IIT के अंदर सीट नहीं मिलेगी तो वो फिर आएगा किसी प्राइवेट कॉलेज से, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने की कोशिश करेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का पहले से ही सिस्टम खराब हुआ हुआ है, वहाँ पे उस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, क्योंकि वो स्किल सिखाने में कामयाब नहीं हो पाते। तो अब जब उसको डिग्री मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज से, तो वो बाहर मार्केट में निकलेगा जॉब के लिए, लेकिन उसके जॉब इसको स्किल डेवलप नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से उसको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली। अब तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं, जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस। जॉब न मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही इतना कंपटीशन है कि वहां पर भी जॉब नहीं मिलेगी, फिर उसी के पास में एक ही ऑप्शन बचता है, या भूखा मर जाना या कर्ज से डूब करके मर जाना, उसके पेरेंट को या अपनी जो पुश्तैनी जमीन है वो बेचनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन के अंदर इतना खर्चा पहले से ही हो चुका है, यानी कि या वो क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है तो कोई भी गलत कदम उठाई जा सकता है। हाँ भाई, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी, हमें नौकरी चाहिए। अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती है, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। एक रिपोर्ट के अंदर ये भी माना गया है कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें से 100 बच्चे में से 4 बच्चे तो सुसाइड करके अपनी जिंदगी को दायंड कर लेते हैं। इस षड्यंत्र पूरी बुरी तरह से साइकिल को पॉलिटिक्स के अंदर इतनी बुरी तरह से फंसाया गया है, कोई भी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जॉब को अपॉर्चुनिटी को पैदा करने में काम नहीं कर रही है। 68% लोग 10,000 महीना कमाते सिर्फ, लेकिन इस बहस किस पर हो रही है, वही ताजिए का जुलूस किधर से निकलेगा, प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस किधर से निकलेगा, मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजे, मंदिर की आरती के सामने अजान क्यों हो रहा है, क्या किसी नेता ने नौकरियां बढ़ाने की मांग की है? जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा। क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उनका लाइफ टर्म होता है 5 साल का, अब ये 5 साल में छोड़ करके चले जाएंगे। अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माने जाए तो जॉब क्रिएट करने में धीरे धीरे ये स्लोली प्रोसेस है, इसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती। अगर लोगों को जॉब मिलने लग जाएगी, यूथ डायरेक्शन लेस है, इस बात पर डिबेट ही नहीं होती है मीडिया के अंदर कि हमारे पास में जॉब नहीं है, महंगाई है, इससे फिर बेरोजगारी और अब ये पेट्रोल की महामारी, सरकार को जवाब देना होगा, और इसी टीवी चैनल पर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार चुप क्यों बैठी है, जवाब दे सरकार। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा, सरकार क्यों जवाब देगी। तो और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आगे की, पाकिस्तान में हुआ हमला, क्या हुआ हमला, पाकिस्तान में हुआ हमला, पाकिस्तान में हुआ कुछ भी मार से हम परेशान है, लेकिन उसको डायरेक्शन लेस करके वो दूसरे डिबेट्स में फंसा हुआ है, जो कि उसके लिए काफी घातक और खतरनाक होती है। इन डिबेट से उनको लगता है कि उनकी जाति का लीडर आएगा और ऐसा जॉब क्रिएट करेगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, उनका जाति का लीडर आएगा, उनका इस्तेमाल करेगा, स्लोगन लगवाएगा और उनसे अपनी वोट बैंक बना करके चला जाएगा। यही हो रहा है, इस साइकिल से निकलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट तो हमको सवाल करने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आज का यूथ उनसे सवाल करे, और मीडिया तो इस तरह से बुरी तरह से बिकी हुई है, देख ही सकते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।